मीडिया ने किया चुनावी प्रचार का शंखनाद। ढोल धमाकों के साथ हुआ स्वागत, कुर्सी की बजाय जाजम पर बैठकर की चुनावी चौपाल। भाजपा प्रत्याशी चंदन सिंह सिसोदिया ने शुभ मुहूर्त पर ग्राम बठेड़ा लोया से चुनावी प्रचार की शुरुआत की। जैसे ही गांव में चंदन सिंह सिसोदिया का काफिला पहुंचा, ढोल धमाके और आतिशबाजी के साथ स्वागत अभिनंदन किया गया। श्री खेरापति बालाजी मंदिर एवं लक्ष्मीकांत मंदिर के दर्शन करने के पश्चात गांव के मध्य चुनावी चौपाल लगाई गई। लेकिन भाजपा प्रत्याशी चंदन सिंह सिसोदिया ने सादगी और आत्मीयता का परिचय देते हुए कुर्सी पर बैठने की बजाय सभी के साथ जाजम पर बैठे और चुनावी चौपाल को संबोधित किया। चुनावी चौपाल को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी चंदन सिंह सिसोदिया ने कहा कि भाजपा सरकार ने आम जनता के कल्याण के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, वहीं कांग्रेस शासन काल में सरकार ने शासन की सभी योजनाएं बंद कर दी थी और 50 साल में कांग्रेस ने देश को लूटने का कार्य किया है। और पहले राजा कोख से पैदा होते थे, मगर अब राजा मतदाताओं की शक्ति से बनते हैं। इसलिए आपका अमूल्य वोट सोच समझ कर दीजिए, जो मध्य प्रदेश की एक नई विकास गाथा लिखने में सहभागी बने। विधायक ऐसा चुनिए जो जीतने के बाद आपको उसे ढूंढना ना पड़े। चुनावी चौपाल का संचालन मंडल अध्यक्ष उमराव सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर अशोक पहलवान, भगवान सिंह चंद्रावत, अनिल मेघवाल, रंजीत सिंह चौहान, तालुराम पाटीदार, बड़खेला लोया सरपंच सत्यनारायण पाटीदार, विनोद ग्वाला, राहुल पाटीदार, उमेश पाटीदार, तुलसीराम लिमचा, बहादुर सिंह, डॉक्टर नारायण सिंह, नरबेराम पाटीदार, बालकिशन पाटीदार आदि उपस्थित रहे। संवाददाता हर्षिता ज्योति की रिपोर्ट। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी शंखनाद करने के लिए पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता आज इस बरखेड़ा गांव में भगवान के दर्शन करके आप सबके बीच उपस्थित हैं। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई उमराव सिंह जी साहब, जनपद अध्यक्ष भाई रणजीत सिंह जी, पूर्व जनपद के अध्यक्ष भगवान सिंह जी, हमारे विनोद जी ग्वाला जी जो मंडल के महामंत्री हैं, यहाँ के सरपंच भाई सत्तू जी, शांतिलाल जी, रामनारायण जी और माँ सबका आशीर्वाद देता डालूराम दाना, क्योंकि यहाँ को रस्तों ही मना वाला है। बरखेड़ा के बल्ले सबसे पुराना सेठे जी के जमाने में आदानी डाक साहब बालू दादा भाड़े जब नाम सबका लोग क्यों जुड़ना मना के बना है नाम लेवाने में कोई फायदे नहीं है कि बोलो भारत माता की जय। नरबल आप जी बेटा मना क्योंकि ज्ञान नहीं दे रहे मनते आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मध्य प्रदेश में आप सबको खूब आशीर्वाद आपने जो दिया उसको वापस एक जन कल्याण के माध्यम से गांव गरीब किसान और मजदूर की सेवा करने के लिए लगातार 18.5 वर्षों से सेवा कर रही है। और मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति लगातार हमारे बीच में रहे और उसका कामकाज हम देख लें, जैसे उदाहरण के लिए